हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है सांभर। साउथ की स्पेशल डिश है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अरहर की दाल लिया है, जिसको मैंने धुल के भिगो के रख दिया था। सब्जियाँ ऑप्शनल है, आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लौकी और लोबिया ली है। दाल को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, सब्जियाँ डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च भी डाली है। अब इसे हम पानी डालेंगे, लगभग बड़े 2.5 गिलास मैंने पानी डाले हैं इसमें, क्योंकि लौकी में भी पानी होता है, तो हम इसमें बस इतना ही पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। और कच्चा आम, मेरे पास आम अवेलेबल था तो मैं यहाँ पे कच्चा आम यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह इमली भी डाल सकते हैं। इमली का पानी 4 सीटी लगाएंगे। यहाँ पे हमारी दाल और सब्जियाँ दोनों गल चुकी हैं। तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, इसमें हम हींग डालेंगे, जीरा, राई डालेंगे, और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। ये देखिए तेल कैसे तड़क रहे हैं, लाल सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ता से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मिर्च मैं निकाल के पहले ही अलग कर ले रही हूँ, इसे हम सांभर में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। तड़का हमारा हो चुका है, अब इसे हम सांभर में डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सांभर मसाला डालेंगे, सांभर मसाले से टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ कलर भी अच्छा लगेगा देखने में सांभर का। अच्छे से मिक्स करेंगे, 5 मिनट और पकाएंगे, अच्छे से उबाला देंगे इसमें। ये देखिए हमारा सांभर रेडी हो चुका है, कितना कलरफुल और कितना डिलीशियस लग रहा है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।